हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। अभी आ चुका हूं मैं उदयपुर सिटी और आपको पहले सबसे पहले दिखाएंगे फतेह सागर। उससे पहले जाने से पहले ये एक मंदिर है, ये श्री गिरिधर गोपाल मंदिर, प्राचीन मंदिर है, वो पहले आपको दिखाएंगे। और इसके बाद है नीलकंठ शिव मंदिर, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं नीलकंठ मंदिर। ये अंदर का वीडियो तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग बाहर से आप लोग को दिखा देते हैं। ये मंदिर है, यहाँ अंदर आइएगा तो बहुत सारा भगवान का प्रतिमा है, यहाँ पर पूरा मार्बल से बना हुआ है। आप आइएगा तो जरूर घूमिएगा। यहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आप लोग आइएगा तो जरूर घूमिएगा, अंदर घूमिएगा, अंदर में मज़ा आएगा। हम लोग हमें अच्छा लगा। आप लोग भी अगर ये फतेह सागर आते हैं, इस बीच में रास्ता में मिलेगा ये दोनों मंदिर, आप लोग आइएगा तो। चले फिर चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं फतेह सागर और यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा बहुत काला नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा फिल्टर करेंगे बाद में। देखिए कहाँ चले जाएंगे आप, देखिए फतेह सागर, यही है, बहुत अच्छा नज़ारा है। चलिए फिर आगे चलते हैं, दिखाते हैं। चंदन में आए हुए हैं पर उधर में खड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है ऐसे। एक्चुअली में सही में यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। आप आगे देखे थे कि बागे की ओर जब पढ़ने थे तो बहुत काला नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए पीछे का नज़ारा जो है अच्छा है, बहुत मस्त है। साइड में देखिए वहाँ टापू टाइप है, जाने के लिए अब देखते हैं क्या होता है। जब साथ में चंदन भैया हैं, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पता नहीं क्यों। धूप से उनका दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। पूछते हैं चंदन भैया, आइए थोड़ा, आप भी थोड़ा नहीं आइएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो में। चलिए चंदन भैया आ रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं चंदन भैया हर एक वीडियो में अभी आते हैं हम लोग के साथ। चलिए तो आ चुके हैं चंदन भैया, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आए हुए हैं उदयपुर के, ये फतेह सागर झील है और यहीं पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे टापू हैं, समुद्र में भी बोट है, यहाँ पर इस साइड में बोट दिखाइए, इस बोट से हम लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग जाएंगे, थोड़ा सा समुद्र में घूम करके आएँगे। आगे भी यहाँ पर ऊपर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, पहाड़ के पास ऊपर में, हो सकता है कि टाइम मिलेगी तो उस साइड। खैर, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ अभी, फिर भी धूपा की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है और इसलिए हम लोगों को धूपा ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाकी सभी लोग घूमने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर शाम को बहुत अच्छा नज़र आ रहा था जो देखने में बहुत आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर झील है और शाम को भी बहुत काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह में मॉर्निंग में अपना स्नान करके चले आए थे, इसलिए कि थोड़ा सा देखते हैं कि काफ़ी टाइमिंग से हम लोग घूमेंगे। और भी बहुत जगह जाना है हम लोग को घूमने के लिए, तो आपको हम लोग हमेशा लाइन आपको वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देखते रहिएगा कहाँ कहाँ हम लोग घूमेंगे, आपको हर जगह का सीन हम आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए फिर, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ऐसे, अभी तो शायद 52 है, 52 टोटल, मतलब उतना अभी तक तो हुआ नहीं है शायद, लेकिन यहाँ झील है इसीलिए उतना पता नहीं चल रहा है, अच्छा लग रहा है। और चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम, चलिए अभी हम लोग बोट में बैठेंगे। चलिए फिर
चलते हैं। बड़ा बैठेंगे अभी मजा आएगा। देखिए भाई लोग आए हुए हैं, मजा कहाँ से आप लोग? इंदौर। चलिए बहुत अच्छा है, ये इंदौर स्टैंड वाला इधर है। नहीं बनाते हुए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।